दिल्ली से रीति पाठक जो कि चुनाव लड़ रही हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। जरा उनका रुख कर लेते हैं। रीति जी, कैसी हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई, आप सांसद हैं, विधायकी का चुनाव लड़ रही हैं, बताइए किस तरीके की रिपोर्ट मिल रही है? आप तो अलग अलग बूथों पर भी गए होंगे अभी। ऋषि पांडे जी, रिपोर्ट पहुंच जाती है ऋषि पांडे जी आवाज से, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मुझे कैसा लग रहा है और मैं क्या फील करके आ रही हूँ। अच्छा, ये महिलाएं जो हैं इस बार आप लोगों की नैया पार लगा देंगी, आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, काम जो होता है ना आपका जमीन का, वो बड़ों बड़ों की नैया पार लगा देता है ना। और जो भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है ना कि सेवा, और जो उसका संकल्प है सेवा, चाहे उसमें महिलाएं जुड़ी हो, चाहे बच्चे जुड़े हों, चाहे बुजुर्ग जुड़े हों, चाहे युवा जुड़े हों और चाहे अन्य कोई जुड़ा, तो इसलिए हमारा जो संकल्प है सेवा का, आज उसकी पृष्ठभूमि पूरी दिख रही है जमीन पर। रीति जी, ये कहा जा रहा था कि भाई एंटी इनकम्बेंसी गजब की है, चेहरे को लेकर बोरियत होगी, 18-18 साल से आप लोग जो हैं सत्ता में बने हुए हैं, बीच के कुछ महीनों को छोड़ दिया जाए तो बदलाव की जरूरत है, रोटी तवे पर एक जगह रहती है तो जल जाती है, तमाम वो चीजें कही जा रही थी। मैडम, मुझे लगता है कि थोड़ा सा जमीन पर आकर देखना पड़ेगा। क्या होता है कि हम कभी भी कुर्सी टेबल पर बैठ के या एसी रूम में बैठ के हमारी समीक्षा बहुत आसान होती है और अलग होती है, लेकिन जब हम जमीन पर जाते हैं और जब हम देखते हैं, मैं चुनाव किससे लड़ी थी आप जानती, मल्टी मिलीनियर लोग हैं, है ना, बड़े बड़े ठेके होते हैं जिनके पास, मुझे तो उतना ज्ञान भी नहीं है कि क्या क्या बिजनेस चल रहा है, पर इतना पता है कि लोगों ने ये बहुत बताया था और ये कहा था कि बहुत सारा पैसा है, लेकिन उस पैसे का कहीं भी प्रभाव नहीं पड़ा जो पैसे एक महीने से बढ़ रहा था। और जमीन पर आइए देखिए तो वो जो सेवा है ना, उसकी उसका भाव चेहरे पर है, उसका भाव मन में है। पर रीति जी, मैं बस आपको इतना बता देना चाहती हूँ कि मैं स्टूडियो में बैठने वाली नहीं हूँ, आपके मध्य प्रदेश में गजब के 5 दिन बिताकर गई हूँ, सीएम साहब का इंटरव्यू लेकर गई हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ, आपको बहुत तमाम इलाकों में घूमी हुई हूँ, जानती हूँ। और लेकिन मैं सामान्य से एक बहुत मैं श्रम को लेकर ये बात कह रही हूँ कि जब हम किसी बात की समीक्षा करते हैं, मान लीजिए मैंने कोई मीटिंग करी और मैंने उस पे कागजी तौर पर मैंने जाना समझा, लेकिन जब मैं उसी चीज को जमीन पर जाकर देखती हूँ तो सच्चाई कुछ और होती है। तो आप ये कह रही हैं कि आप भयंकर कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार फिर से सरकार आप बना रहे हैं, तो 230 में से कितनी सीट है फिर रीति जी? जी जी जी, कितनी सीट है? अब सीट तो मैं तो 150 से पार की सीट मैं कहूंगी, बाकी तो 200 के ऊपर भी आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। अच्छा, आप और रीति जी, क्या मैं मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री से इस वक्त बात कर रही हूँ भावी? अरे राम राम, ये क्या कह रही हैं आप, ये तो मुझे आप कार्यकर्ता संबोधित कीजिए, जो मेरे लिए सौभाग्य है और यही मेरा भाग्य, यही सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहाँ तक लाकर आज खड़ा किया है कि इतने बड़े संघर्ष में जनता के बीच में विश्वास स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे निर्देशित किया। इससे बड़ा एक सौभाग्य नहीं हो सकता किसी भी कार्यकर्ता के लिए। तो आप एक कार्यकर्ता से बात कर रही हूँ जिसे भारतीय जनता पार्टी ने जिस पर विश्वास किया है। रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये बीजेपी की सांसद और विधायकी का चुनाव लड़ रही है, सीधी से हमसे बातचीत कर रही थी। इतने खिलखिलाकर क्यों हंस पड़े आप संगीत रागी जी? आज की तारीख में अनुराग जी, आज की तारीख में आपको कोई टफ सवाल अगर पूछना है बीजेपी से, निगत अब्बास से, तो ये बेस्ट है। हाँ भाई, बताओ कौन होगा सीएम? मामला वही खत्म। देखिए, राम राम मुंह से निकल जा रहा है। देखिए, बीजेपी के आपने नेताओं से पूछा, आपने प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछा, भाई आपकी के आपको कहीं आगे बढ़ना है, उन्होंने, उनको पता है हम हार रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया, हम तो कार्यकर्ता, हमको आगे नहीं बढ़ना है। हाँ। आपने पूर्व मुख्यमंत्री से पूछा, बोले भैया आप सीएम बन सकते हो? नहीं नहीं भैया, हम तो कार्यकर्ता, हम नहीं बन सकते। आपने सांसद से पूछा, भैया आपका नंबर? नहीं नहीं नहीं, हम तो कार्यकर्ता, हम नहीं आ सकते। मतलब वो सीएम, उनको पता है कि हम हार रहे हैं, तो कैसे बताएं कि हम उनको सीएम, भले मेरे चुनाव ही हार रहे हैं तो सीएम बने कैसे, क्यों अपने सर पे हम ठीकरा फुड़वाएं कि हम अभी बता दें, पता चला हम हार जाएंगे 3 तारीख को। इसलिए बीजेपी का कोई नेता इस समय मध्य प्रदेश से पूछ लीजिए, छत्तीसगढ़ से पूछ लीजिए, या राजस्थान में चले जाइए, आप समझिए ना, सर फटोवल है अच्छा खासा, तो अगर उनका नाम चल रहा होगा और जरा सी मुस्कान के साथ कह दिया जी जी रूपिका जी आप भावी मुख्यमंत्री से बात कर रही हैं,
तो वो बस बातों में रह जाएगा, मामला आप समझ नहीं रहे हैं। रागी जी अपनी बात रखिए और उसके बाद मेरे सहयोगी अखिलेश सोलंकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निगत अब्बास का भी रुख करेंगे। निगत आ रहे हैं, सवाल यही है, बदलेगा नहीं, याद रखिएगा, मैं पर्चा लीक कर रही हूँ। रागी जी बिल्कुल बिल्कुल देखिए रूपका जी, प्रधानमंत्री शुरू से कहते हैं जो छपाई और दिखाई, ये जो बीमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर यदि जिसको भी इस कसौटी पर आया उसका भविष्य जो है वो किनारे हो जाता है। तो कोई भी आज के दिन में ये साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार में और भारतीय जनता पार्टी में जो केंद्र है वो इतना ताकतवर है कि वो अच्छी तरीके से जानता है कि किसको हमको आगे बढ़ाना है, किसको हमको पीछे खींचना है। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो केंद्र से तय होंगी, तो इसलिए कोई भी इसमें से रिस्क नहीं रहा। बहुत सारे मंत्रियों को आपने भी सुना होगा और हमने भी सुना होगा कि कैबिनेट के लिए कोट जो है वो सिलवा करके रखे थे और उनका शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो पाया। तो ऐसी स्थिति तो में कोई भी भारतीय जनता पार्टी का जो लोग हैं उनको शुरू से ये ट्रेनिंग है। नहीं पर अनुराग कह रहे हैं, अब अखिलेश यादव की तरह तो नहीं हो सकता, समाजवादी पार्टी की तरह तो हो नहीं सकता। देखिए ना, समाजवादी पार्टी में तो पता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। अखिलेश यादव जी का बेटा भी आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री होगा, उनके होने वाले पुरखे भी उनका बेटा होगा, तो वहां पर हायरार्की तो तय है। कांग्रेस पार्टी के अंदर हायरार्की तय है कि कौन प्रधानमंत्री होगा, जितने भी पारिवारिक पार्टियां हैं वहां पर यह तय है। बट भारतीय जनता पार्टी के बाद नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री बने कर्नाटका के, तो वहां तो तय है ना भाई, जो कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे अभी उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, और अभी जो येदियुरप्पा जी के बेटे बने हैं अनुराग दिक्कत क्या है कि वो चाह करके भी मुख्यमंत्री प्रेम नहीं कर सकता, लड़ नहीं सकता। मैं जानता हूँ कि अनुराग अखिलेश के बाद सबसे पॉपुलर लीडर है। निषाद पार्टी का बताइए क्या हाल है, उसके बारे में बता दीजिए। चिराग पासवान जी के बारे में बता दीजिए, चौटाला जी फैमिली के साथ गठबंधन है बता दीजिए, आप शिवसेना सिंधे पार्टी के बारे में बता दीजिए, एनसीपी जो अजीत पवार जी वाली बता दीजिए। आपने जो गठबंधन कर रखे हैं इतने दलों से, जो आपको परिवारवादी पार्टी और आपके अंदर परिवार के लोग हैं, राजनाथ सिंह के बेटे हो, चाहे वो साहब सिंह वर्मा के बेटे हो, मुख्यमंत्री का बेटा ही सांसद बन सकता है, और कोई नहीं बन सकता है क्या? अरे भाई उसको परिवारवाद पार्टी नहीं कहते, परिवारवाद पार्टी उसे कहते हैं। परिवारवाद पे हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अनुराग जी, संगीत जी, निगत, बस जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, एक सेकंड। अखिलेश सोलंकी लगातार सुबह 6 बजे से मैदान में, ग्राउंड जीरो पे है और वो हमें हर खबर पहुंचा रहे हैं। अब जब मतदान खत्म हो चुका है तो ये फर्ज बनता है कि एक बार अखिलेश का रुख हो जाए। अखिलेश, अब मैं सुबह जब आपसे मुलाकात की थी तब भी इसी तरीके का पीछे माहौल था, थोड़ा अंधेरा था, सूरज उगने को था, और अब जब मतदान खत्म हो गया है बिल्कुल वो घड़ी की सुई वहीं आ गई है, वही 6:40 और अभी भी देखिए वही 6:40। अब सवाल ये है कि आप तो अलग अलग बूथों पर गए हैं, किस तरीके का माहौल आपको दिखा, क्या आपने देखा? रूबिका जी, बहुत डिसाइसिव मैंडेट आएगा ये तय है। अच्छा। लेकिन दो चीज़ें समझ में आई हैं कि जो महिलाएं थी हो सकता है वो शिवराज के लिए निकली हों, लेकिन यूथ जो था वो बदलाव के लिए निकला है। बड़ा इस तरह का मैंडेट निकल सकता है। और जो वोट परसेंटेज है 71.11 जो आपका 5 बजे तक था, जो उम्मीद है कि 80 टच करेगा, 5% का स्विंग, यानी कि पिछली बार से अगर 5% ज़्यादा है तो ये ऐसा केवल 2003 में हुआ था जब उमा भारती की वेव थी। तो क्या ये बदलाव की वेव है या लाडली बहनाएं अपने शिवराज को बचाने के लिए निकली है? क्योंकि महिलाओं की लंबी लाइनें भी हमने देखी और यूथ भी जोश के साथ बूथ पर नजर आया। तो यूथ किधर जाएगा और महिलाएं क्या करेंगी, इस पर पूरा इलेक्शन टिका हुआ है। लेकिन 5% का लगभग स्विंग होगा इस तरह की उम्मीद है, क्योंकि 80% से ज्यादा वोट, कई जिलों में 82-83% 5 बजे तक हुआ है। मैसिव वोटिंग मध्य प्रदेश में हुई है और ये मैसिव वोटिंग जो है सभी को घनचक्कर कर देगी, सबको चकराने पर मजबूर कर रही है। जी, मतलब आपने कम शब्दों में एकदम सुबह से लेकर रात तक जो मतदान हुआ है उसका ट्रेंड समझा दिया है। निगत, अब मैं सबको 30-30 सेकंड दे रही हूँ, ये क्लोजिंग रिमार्क होगा। निगत, सुना आपने, महिलाएं निकली तो शिवराज सिंह चौहान, लेकिन यूथ भी निकला है जो बदलाव चाहता है। जी,
और मुझे लगता है रूबिका यही बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं के साथ जो आज हम देश के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र भाई मोदी जी इस बात को बढ़ावा देते हैं कि युवाओं को आगे बढ़ चढ़ के भागीदारी अपनी तय करनी चाहिए और मतदान देना चाहिए, क्योंकि आज वही भविष्य तय करेंगे। और उन्हें पता है कि किस प्रकार अन्य राज्यों में जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां डकैती का मामला हो, पॉक्सो के मामले हो, या फिर चोरी के मामले हो, महिला दुष्कर्म के मामले हो, दलितों पर अत्याचार के मामले हो, वो किस प्रकार बढ़ रहे हैं। अब उसको रोकने के लिए जिस प्रकार राजस्थान सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने एक मॉडल दिखाया है, उससे युवा भी जागरूक हुए और महिलाएं भी जागरूक। अरे पर अखिलेश तो कह रहे हैं कि युवा मध्य प्रदेश में बदलाव की बात कर रहे हैं, बहुमत से बनने वाले। मैं कह रही हूं 230 में से निगत, मैं नोट कर रही हूं कितनी सीटें आप कह रही हैं, जल्दी मुझसे सीनियर हमारे यहाँ पर जो सांसद है, जो विधायकी का चुनाव लड़े हैं, वो भी कह चुके हैं और मैं खुद कह रही हूँ और आप इस बात को रिकॉर्ड कर लीजिए रूबिका जी, दोबारा चलाइएगा, 150 से अधिक सीटें हमारी आएंगी और पांचों राज्यों में हम सरकार बनाने वाले। और 10 सेकंड मुझे दीजिएगा, आप बड़ी देरी बाद आई हैं क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास गेस्ट थे। यहां पर मेरे भाई ने एक बात बोली थी जो कर्जे की, आपने तो आंकड़ा गिनवा दिया 5.5 लाख, अनुमान है सर्विस का कि इस दिसंबर में अगर सरकार इनकी रही तो 7 लाख करोड़ तक का इन लोगों के ऊपर कर्जा हो सकता है। तो ये सारी बातें इन लोगों को यहां पर बैठकर नहीं करनी चाहिए। आरबीआई की गाइडलाइन 30% जीडीपी, बस आपने 10 सेकंड मांगे थे, 10 सेकंड मांगे थे पहले मैं निखिल जी का जवाब दे दूं कि नहीं, पर कैपिटल इनकम में राजस्थान आगे है और जीडीपी में भी राजस्थान आगे है, इससे लगता है कि नहीं कौन आगे है ये सबको पता है देश में। पर जो बड़ी बात यह है कि ना कि जो राजनीति में जो चेंज लाना है, जो बदलाव लाना है, वो कांग्रेस अभी कर रही है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और इवन तेलंगाना में ही होने वाला है। राजस्थान कांटे की टक्कर है, हो सकता है इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है। आप मेरा वीडियो प्ले करिएगा जरूर, क्योंकि ना कि निखत जी का वीडियो प्ले करिएगा और मेरा वीडियो प्ले करिएगा, देखते हैं कि 150 सीट से ज्यादा आएंगे कांग्रेस के। जब आप अपनी बात रख रही थी, आकाश मुनि आपके बीच में नहीं बोले, मैं चाहती हूँ कि वो अपनी बात रख ले, आप अपनी, उनके आंकड़े गलत है तो साबित कर लीजिएगा, एक बार उनको बोल लेने दीजिए। आकाश जी 10 सेकंड में लूंगा छत्तीसगढ़ पे बोलने के लिए। छत्तीसगढ़ में इनको पता था कि नहीं हारने वाले, इन्होंने ईडी का सहारा लिया, उसपे मैं अलग डिबेट पे आ जाऊंगा, बहुत अच्छा डिबेट होगा वो, कि ना कि कहते ईडी का सहारा लेने के बावजूद भी स्पोक्सपर्सन ने दुबई से स्टिंग ऑपरेशन मनाने के बावजूद भी फिर भी छत्तीसगढ़ ये हारने वाले और बुरी तरह हारने वाले। ओके सर, आपके अपने अपने दावे हैं।